निश्चित रूप से अपने देश में नहीं, विदेशों में भी और इवन देश के कई शहरों में अच्छी चल रही है, बशर्ते कि BRTS टोटलिटी में पूरी बनाई जाए। अगर हमने एक सीकर रोड पे एक स्ट्रेच 9 किलोमीटर का बना दिया तो उससे न तो वो सवारियों को जहां जाना गंतव्य स्थान पे पहुंच पाती तो वो नहीं होगा। और इसी प्रकार से BRTS को अगर दूसरे रोडों पे भी जोड़ा जाए, फ्रीक्वेंसी बसों की सही हो और ये मन में लोगों को बैठ जाए कि समय पे ये गाड़ी आएगी, समय पे जाएगी और सुरक्षित रूप से जाएगी। दिल्ली में ऐसी बात चल रही है कि BRTS से जो फ्लो है ट्रैफिक का वो कहीं ना कहीं बाधित होता है और उसमें जिस चीज के लिए वो स्टिपुलेटेड है वो तो उस पर रन कर नहीं पाती। जयपुर में भी अपन ने ये देखने में आता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो मैं आपको अगर मैं स्टेटिस्टिक के हिसाब से बताऊं तो दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे चार जो मेट्रो है उनमें जितनी बसें हैं उससे उतनी ही बसें केवल दिल्ली में हैं। तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो बसेज हैं दिल्ली में हैं। और कुछ साल पहले तक तो अपन कहा जाते थे कि जो ब्लू बस जो बसेज हैं उनको जीता जागता हम यमराज के रूप में जाना जाते थे। निश्चित रूप से वहां जब से मेट्रो के जो रूट सर चैनलाइज किया है उसमें दबाव भी कम हुआ है और एक्सीडेंट्स भी कम हुए, पर चूंकि कंजेशन इतना बढ़ रहा है उससे कंजेशन के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप सर्दी में आप दिल्ली में जाओ और रुमाल अगर आपका हाथ के लगाओ तो वो काला हो जाएगा। वो बात अलग है, आपकी गैस वाली बसेज भी चलाइए, सब कुछ चलाइए, उसके बावजूद भी जितनी रफ्तार बढ़ना चाहिए मास ट्रांसपोर्टेशन की वो नहीं हो पाई है।